आप सभी को पता है कि सीसीएमटी जो है आपका अभी नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है, और सीसीएमटी के द्वारा आपके एनआईटीज में एमटेक का एडमिशन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कौन सा एनआईटी बेस्ट है और उनमें कौन से ब्रांचेस बेस्ट है? तो आज के वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा 10 ऐसे एनआईटीज और उनके ब्रांचेस जिसमें कि बेस्ट प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मैंने ब्रांचेस लिए हैं इनमें आप देखोगे कि 650 से लेके 500 तक का यहाँ पे गेट स्कोर को मैंने कंसीडर किया है। 500 तक भी गया है कुछ कुछ ब्रांचेस, और मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि इनके प्रीवियस प्लेसमेंट्स कैसे है। ठीक है, तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप 10 एनआईटीज अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग और अकॉर्डिंग टू योर प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप 3 पोजीशन पे है एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल और एनआईटी वारंगल। उसके बाद आ जाता है एनआईटी राउरकेला, कलिकट, नागपुर, सूरत जो कि अभी बहुत ही डेवलप कर रहा है एनआईटीज में, प्रयागराज, दुर्गापुर एंड जयपुर। तो इनके रेस्पेक्टिव एनआईआरएफ रैंकिंग्स भी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। आप देख सकते हो कि एनआईटी सूरत वगैरह जो है कुछ यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग मैंने ऊपर नीचे किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनआईटी सूरत है यहाँ पे अभी प्लेसमेंट जो है ड्यू टू बीइंग योर नियर टू इंडस्ट्रियल हब, एनआईटी सूरत से प्लेसमेंट अभी काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर वन बाय वन में यहाँ कवर करता हूँ। तो एनआईटी त्रिची में यहाँ पे टोटल मैंने 10 ब्रांचेस लिए हैं। सबसे टॉप पे आप देख सकते हो डेटा एनालिटिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वीएलएसआई सिस्टम, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी सफिशियंट एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। ये एक काफी न्यू ब्रांच है जिसमें कि बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट होने वाला है। थर्मल पावर इंजीनियरिंग ये एक ओल्ड ब्रांच है, बट इंडिया में थर्मल पावर प्लांट अभी भी जो है वो काफी ओल्ड है। अभी न्यू जनरेशन 4-5 पावर प्लांट्स आने वाले हैं, तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा ब्रांच है। फिर आ जाता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट अगर मैं एनआईटी सूरतकल की बात करूं तो फिर से यहाँ पे वीएलएसआई डिजाइन बेस्ट है। उसके बाद आता है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियो इंफॉर्मेटिक्स। लास्ट टाइम यहाँ ये वाले ब्रांच से इसरो ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया था जियो इंफॉर्मेटिक्स से। ठीक है, फिर आता है आपका मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क। नेक्स्ट एनआईटी वारंगल में आप फिर से देखोगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो जो लोग भी आईएन से हो और जिनका आप लोगों का गेट स्कोर थोड़ा सा कम है, नियर अबाउट 600, 650 के आसपास है, और जिनको गुड आईआईटीज नहीं मिल रहा है, वो ये वाले ब्रांच को जरूर आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वीएलएसआई सिस्टम डिजाइन, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये भी काफी ज्यादा अच्छा ब्रांच है, इसका फॉरेन में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इसको लेके आप हायर स्टडीज बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन एंड एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कोर ब्रांच है ये बिल्कुल। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, वेरी गुड ब्रांच, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एटमोस्फियर एंड ओशन साइंस। नेक्स्ट एनआईटी कैलिकट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मशीन डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीएलएसआई डिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, एम प्लान, अर्बन प्लानिंग जो कि सिविल के लिए है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल साइंस, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एनआईटी नागपुर में यहाँ पे वीएलएसआई डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कैड एंड कैम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और एक्सकवेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे मैंने रखा है। एनआईटी सूरत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है आप देख सकते हो वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि अभी जो है गुजरात में ढोलेरा में आपका जो है
यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने वाला है, तो इसीलिए ये VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दो जो ब्रांच होने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से रिक्रूटमेंट भी काफी अच्छा होने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। एनआईटी प्रयागराज में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, बहुत ही अच्छा ब्रांच है। कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस न्यू ब्रांचेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैंने जैसे कि कहा इसरो डायरेक्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स को लेते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनआईटी दुर्गापुर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीएलएसआई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च, वेरी वेरी गुड ब्रांच, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रांच है ऑपरेशन रिसर्च। ये एक्चुअली क्या है, ऑपरेशन रिसर्च एमबीए का टॉपिक है लेकिन एनआईटी दुर्गापुर में इसको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये एक न्यू ब्रांच है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन ड्राइव्स। नेक्स्ट जो लास्ट आपका है यहाँ पे एनआईटी जयपुर है, इसमें वीएलएसआई डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, पावर सिस्टम, थर्मल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा टॉप 10 एनआईटीज और उनके टॉप ब्रांचेस यहाँ पे मैं कवर करूंगा, जिसके कि गेट स्कोर 650 से लेके 500 तक यहाँ पे रेंज होता है। आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इससे भी लो गेट स्कोर वाला एनआईटी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, उस हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।